हेलो क्लास एट, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अनुसार डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने बताया आपको कि मेटल कितने होते हैं, नॉन मेटल कितने होते हैं, मेटलॉइड्स कितने होते हैं। मैंने मेटलॉइड्स और नॉन मेटल का नाम भी याद करवाने की कोशिश करी है आप लोगों को। नहीं याद है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मेटल तो याद होने वाला नहीं है। तो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स याद कर लीजिएगा तो आपको मेटल भी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया कि ये बताइए ये वाला क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है, तो मेटलॉइड्स और नॉन मेटल तो मुझे मालूम रहेगा, और उसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा वो सब मेटल में आ जाएगा। चलिए उसकी उस चीज को छोड़ देते हैं और बात करते हैं यहां पर कि बेसिक जो अंतर होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर वो कौन कौन सा है। ठीक है, और किनके किनके बीच में अंतर बताना है मुझे, तो मेटल का किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। तो मेटल में जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो लिखते चलिए साथ में, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लंबा वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब आप मन लगा के पढ़ रहे होते हैं तब। ठीक है, फिर आपका मूड मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी एकदम पढ़ने का मूड कर रहा है, उस समय आप एक घंटा का वीडियो भी देख लेते हो बहुत आसानी से। तो इसलिए ध्यान से देखिए और इसको नोट करते जाइए, समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। फिजिकल स्टेट बात करें मेटल की, तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था, सभी मेटल सॉलिड होते हैं। इसमें क्या कोई एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी सॉलिड नहीं हो और मेटल भी हो। तो इसमें एक्सेप्शन आता है आपका, इसमें एक्सेप्शन आता है मरकरी। ठीक है, MERCURY मरकरी। मरकरी जो पहले थर्मोमीटर में लगता था, आजकल तो जो नया आया है थर्मोमीटर वो सॉफ्टवेयर वाला होता है ना, वो गर्मी ठंडा महसूस करके वो अपना टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेता है, लेकिन पहले मरकरी का इस्तेमाल होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर में भी। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, या रूम टेम्परेचर भी इसे कहा जाता है। रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या आपका हो गया, मरकरी हो गया। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट, और किसकी बात हमने की अभी, मेटल की बात की। अब बात करते हैं नॉन मेटल की बात। ठीक है, नॉन मेटल में फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है। तो नॉन मेटल में फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं, यहां पर तो मैंने लिख दिया था कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन यहां पर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है, तीनों स्टेट में पाया जाते हैं। कौन? नॉन मेटल। ठीक, तो मेटल जो होते हैं सभी सॉलिड होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस में होते हैं। मैक्सिममली जो है वो आपको सॉलिड और गैस में होते हैं, उसमें भी मैक्सिमम गैस होते हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा है सबस्टांस, एक ऐसा है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, वो है आपका ब्रोमीन। मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट माने भौतिक अवस्था जिसमें मेटल सभी सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन आपका हो गया मरकरी, और नॉन मेटल में सभी जो है वो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें मात्र एक ऐसा है जो ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी फिजिकल स्टेट के बाद फिजिकल स्टेट के बाद, फिजिकल स्टेट के बाद आ जाइए, अब बात करते हैं हार्डनेस की। ठीक है, हार्डनेस मतलब कठोरता।
तो ये तो लॉजिकल बात आपको आ रही होगी। हार्डनेस जितना भी पॉजिटिव पॉइंट होता है ना, वो सब मेटल से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल मेटल्स आर हार्ड, है ना। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिए। एक्सेप्शन आपका हो जाएगा सोडियम, उसके बाद आपका हो जाएगा पोटेशियम, और फिर आपका हो जाएगा लीड। और कभी कभी अगर आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे, किसी आदमी की आवाज़ या कोई गाड़ी की आवाज़, तो उसको सीरियसली ना लेना है, क्योंकि ऐसे जगह पे वीडियो बनता है जहाँ बगल से ही एक गली गुजरती है, तो वहाँ से हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। बगल में एक दुकान है, वहाँ पर अलग अलग तरह की बातचीत आपको सुनाई देगी, तो उसको एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लेकर के चलना है और सुनते रहना है और ध्यान देते रहना है यहाँ पर, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं देना है। तो हार्डनेस की बात अगर हम करें तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन कौन कौन सा है, सोडियम पोटेशियम लेड। ये इतना हार्ड, इतना सॉफ्ट होता है कि मतलब इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम मतलब इसका जानते ही होंगे आप, शॉर्ट में एन ए लिखा जाता है इसको, नेट्रियम लैटिन नेम है इसका। और ये लैब में आपने देखा होगा, अगर आप लैब किए होंगे तो, और उस लैब में आपने देखा है कि हम किसी कोई भी चीज़ें उसको काट देते थे, और मतलब कट करने वाला कोई भी यंत्र होता था, और उसके बाद उसको हम वाटर में डालते थे तो वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता था, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है। तो हार्डनेस में जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं मेटल। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, अगर हम बात करें नॉन मेटल की यानी अधातु की, ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल नॉन मेटल्स आर, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, है ना। सभी हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है डायमंड। ठीक है, डायमंड हो गया। डायमंड जो है वो आपका हार्डेस्ट नेचुरल नोन सबस्टांस है ऑन टू द अर्थ, है ना। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन आपका कौन सी है, क्या क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम और लेड हो गया। नॉन मेटल में सभी नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते ही नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन जो होता है वो आपका हो जाता है डायमंड का, जो सबसे ज्यादा हार्ड है नॉन मेटल होने के बावजूद। ठीक है, तो इतना दिमाग में आ गया। दो बातें हमने पढ़ी, फिजिकल स्टेट और हार्डनेस। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है क्या बताइए, चालकता। हिंदी में उसको चालकता बोलते हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करता है, कौन, मेटल। तो हम लिखेंगे मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट को और किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जितना भी मेटल होता है। क्या इसमें भी एक्सेप्शन है, तो हाँ, एक ऐसा मेटल है जो मेटल होने के बावजूद कंडक्शन नहीं करता है, उसका नाम क्या है, लेड नाम है, ठीक है, लीड। तो अब लीड के अलावा भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, तो इसको नोट की तरह ले लीजिएगा, NOT नोट लिखिए, और नोट लिख करके लिख लीजिए, माइका नामक एक ऐसा सबस्टांस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या कि एक ऐसा सबस्टांस माइका जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, माने हीट को कंडक्ट करता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। मैक्सिमम एग्जांपल अब देखिएगा ना, तो उसमें दोनों होता है, या तो वो हीट को भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे वो हीट को
कंडक्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसको नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो बिल्कुल नहीं। नॉन मेटल जो है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी क्या एक्सेप्शन है? तो हाँ बिल्कुल, एक ऐसा है तत्व ग्रेफाइट जो नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल में क्या, ग्रेफाइट एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है नॉन मेटल होने के बावजूद, ठीक है। अभी मैं पीछे गया था इसलिए क्योंकि मुझे देखना था कि वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, नहीं तो कभी कभी जूम इन या जूम आउट हो जाता है जिसके कारण दिखाई नहीं देता है, फिर ये धुंधला दिखाई देने लगता है। तो यहां तक आपका हो गया होगा कंडक्शन तक। अब बढ़ते हैं आगे बोर नहीं होना है, म्यूजिक का सहारा लेना है बीच में जहां कहीं भी आपको तकलीफ थोड़ी सी हो। अब बात करते हैं मैलियबिलिटी की। मैलियबिलिटी होता क्या है, ठीक है। मैलियबिलिटी के बारे में पहले जान लीजिए। मैलियबिलिटी क्या कहता है? तो यह एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ है ना मेटल बाय विच जिसके कारण क्या किया जा सकता है, दीज कैन चेंजेज, इनको बदला जा सकता है इनटू माने में, किस में, थीन सीट्स यानी पतले पतले चादरों में, पतले पतले चादरों माने देखिए इतना मोटा है ना ऐसे, अब इसको पतला करके इतना पतला, देखिए इतना पतला, फिर एक और इतना पतला, फिर एक और इस तरीके से छोटे पतला पतला कर देना, इतना मोटा से इतना छोटा छोटा पतला पतला कर देना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मैलियबिलिटी। तो मैलियबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछता है क्वेश्चन में कि द मैलियबिलिटी होता क्या है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दीज कैन चेंज इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलियबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, थोड़ा सा मैलियबिलिटी का एग्जाम्पल हमें लेना है। तो मैलियबिलिटी में जो होता है वो क्या होता है, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है, स्पेलिंग द्वारा देख लीजिएगा है ना, सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, फूड पैकेजिंग में। फूड पैकेजिंग यानी फूड को पैकेट बनाने में, फूड का पैकेट बनाने में, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन करने नहीं देते हैं आसानी को, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं करने देते हैं, ठीक है, भोजन को, और इसलिए भोजन आपका ज्यादा देर तक टिकता है ना। इसलिए बहुत सारे जगहों पर आप देखिएगा कि सिल्वर और या सिल्वर नहीं, सिल्वर बहुत कम, एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है किसमें, फूड पैकेजिंग में। तो मैलियबिलिटी के बारे में आपने जान लिया, और किसके बारे में, मैंने अभी बताया आपको मेटल के बारे में। अब इसी से जुड़ा हुआ नॉन मेटल, नोट्स बनाते चलिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नोट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो देखिए ये मैलियबल था तो ये मैलियबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉन मेटल्स आर नॉन मैलियबल, यानी ये मैलियबल होते ही नहीं है, तो इनका उपयोग काहेला होगा, है ना। तो फटाफट लिख लीजिए मैलियबिलिटी होता क्या है, उसका एग्जाम्पल तो मैंने बताया सिल्वर एल्युमिनियम फॉयल, और फिर नॉन मेटल जो होता है वो नॉन मैलियबल होता है, ठीक है। इतना आ गया दिमाग में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी डक्टिलिटी की, ठीक है। तो यहां पर अगला टॉपिक लिखिए, और टॉपिक का नाम है आपका डक्टिलिटी होता क्या है, पहले समझ लीजिए तो ज्यादा बढ़िया तरीके से आएगा। देखिए अभी म्यूजिक गया होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक गाड़ी गया है अभी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब जान लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल
बाय विच, जिसके द्वारा, इट कैन ड्रॉन इन टू वायर्स, यानी बदला जा सकता है वायर के फॉर्म में, है ना, किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में। देखिए इतना बड़ा मेटल है, अब इसका बिजली में थोड़ी इस्तेमाल करिएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर इस्तेमाल करना होगा तो ऐसे पतला 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 वायर के फॉर्म में इसको चेंज, मैंने इससे ई फॉर्म में लाना है ना, यही है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इन टू वायर, इसको वायर के फॉर्म में क्या करना, बदलना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपकी डक्टिलिटी होता क्या है, बात करते हैं मेटल की। तो मेटल डक्टाइल होते हैं क्या, हाँ ना, तो लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, है ना, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेटल बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं। अब इसमें अगर एग्जांपल हम दें, माने देखिएगा ई एक्स रहेगा तो एग्जांपल समझिएगा, ई एक्स सी लिख देंगे तो एक्सेप्शन हो जाएगा। तो एग्जांपल में आप ले लीजिएगा, देखिए सिल्वर या गोल्ड भी ले लीजिए, और दोनों का अबाउट में होता क्या है, इसमें इतना ज्यादा डक्टाइल ये है कि 1 ग्राम अगर आप सिल्वर या गोल्ड इस्तेमाल करिएगा, तो अगर इसको चेंज करिएगा वायर के फॉर्म में, तो 2 किलोमीटर वायर आपका तैयार हो जाएगा। ये भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके भरोसा करने लायक नहीं है, तो लोग या जो बिजली विभाग है वो सिल्वर का इस्तेमाल करने लगे वायर बनाने में, और अगले दिन उसको आप गायब कर दें, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो ये हो जाएगा आपका डक्टिलिटी किसके बारे में, मेटल के बारे में। अब यही अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो बड़ा सिंपल सा है नॉन मेटल के बारे में, ये जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है, बस इतना ही लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, नॉन डक्टाइल होता है। अब नॉन डक्टाइल होता है तो इसका इस्तेमाल थोड़ी होगा, डक्टाइल है तभी तो इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था। तो डक्टिलिटी माने कि किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में बदलना, ठीक है। जितने भी मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया जो है वो सिल्वर और गोल्ड का स्थान आता है। उसके बारे में कहा गया कि 1 ग्राम अगर आपके पास है वो, तो उससे आप 2 किलोमीटर वायर आप ड्रॉन आउट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल के बारे में क्या है भाई, कि ये नॉन डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता ही नहीं, वायर के फॉर्म में इसको बदल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो डक्टिलिटी हो गया होगा, तो मिटाते हैं इसको। डक्टिलिटी आपका कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं, अब आसान आसान है जो समझना बहुत ही इजी है। देखिए कलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स के कलर की बात, ठीक है। तो मेटल्स जितने भी होते हैं उनका जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे होते हैं, ठीक है। मेटल्स के जो कलर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिल्वरी ग्रे। तो फटाफट इसको नोट करिए कि मेटल के जितने भी कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वरी ग्रे होते हैं, ठीक है। उसमें अब स्पेसिफिक होता है मेटल में कोई कोई, जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन लिख लीजिए, थोड़ा लाल टाइप का होता है, आपने देखा होगा घर पे वायर जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा लाल तरह का होता है। और उसके बाद गोल्ड अगर देखे तो इसका स्पेसिफिक है वो होता है कलर, उसको बोलता है गोल्डन येलो, नॉट प्रॉपर येलो, गोल्डन येलो एक चमकने वाला येलो कलर, एक अलग तरह का होता है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया गोल्डन येलो। तो ऐसे नॉर्मली देखा गया मेटल्स में कि कलर जो होता है वो सिल्वरी ग्रे होता है, रंग कैसा, सिल्वरी ग्रे, है ना। अगर कोई पूछेगा कि ये बताइए कि ये कैसा है, तो बोल देना बिना सोचे समझे सिल्वरी ग्रे, लेकिन जब पूछेगा कि कॉपर कैसा, तो रेडिश ब्राउन, फिर पूछेगा गोल्ड कैसा, तो गोल्डन येलो, ठीक है, गोल्ड से गोल्डन येलो याद हो जाएगा। कॉपर को दिमाग में रखना है कि घर में वायर होता है कैसा होता है उसका रंग, तो थोड़ा सा रेडिश टाइप होता है जरूर, तो रेडिश ब्राउन से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कलर जितने भी होते हैं मेटल्स के वो कैसे होते हैं, सिल्वरी ग्रे। कॉपर के कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन, और गोल्ड के कैसे होते हैं, गोल्डन येलो होते हैं। अब बात करते हैं आगे, और स्टार्टिंग करते हैं आपका नॉन मेटल का, ठीक है, यहां से आप नोट करना शुरू करें। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में जो होता है वो स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, इसमें तो बताया गया कि सिल्वरी ग्रे होता है, इसमें नॉन मेटल का डिफरेंट कलर होता है, हर एक का अलग अलग कलर आपका मिल जाएगा, लगभग लगभग कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें बार बार रिपीट हो रहा है सिल्वरी ग्रे, तो मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम मेटल जो है सिल्वरी ग्रे होता है, इसमें मैक्सिमम नॉन मेटल डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। अब उसमें हम ध्यान देंगे, तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है सल्फर का, अगर हम बताना चाहें तो
सल्फर का कलर कैसा होता है? तो येल्लो होता है। सल्फर का कलर कैसा होता है? येल्लो होता है। चलिए बात करते हैं आगे, और बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस, तो फास्फोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, माचिस का जब क्या बोलते हैं उसको, मैच बॉक्स का जब इन्वेंशन हुआ था, तो उस समय पहले व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल होता था। लेकिन व्हाइट फास्फोरस की खासियत यह होती थी कि वो तुरंत रिएक्ट कर लेता था कम ही टेम्परेचर पे, तो ऐसे ही बिना उसको घिसे हुए ही आग लग जाती थी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उसको चेंज करा गया रेड फास्फोरस में, है ना। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि फास्फोरस जो होता है वो दो तरह का कलर होता है उसमें, रेड और एक आपका होता है कैसा, तो व्हाइट। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है उसमें डिफरेंट कलर होते हैं, सल्फर येलो, फास्फोरस कैसा होता है, रेड एंड व्हाइट। इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्लोरीन है, याद रखिए इसको, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है, और एक है ब्रोमीन, ये है आपका रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कहीं पे लिखे हैं क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, कॉपर का रेडिश ब्राउन और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन। इसको तो याद कर सकते हो, ब्रोमीन से ब्राउन, है ना, रेड खाली आपको याद करना पड़ेगा, तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा ब्रोमीन का कलर। और उसके साथ साथ स्पेसिफिक इसकी क्या है कि भाई हाइड्रोजन जो गैस है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये सब जो है वो आपको कलरलेस होते हैं। सब नॉन मेटल है बताया था मैंने, और ये सब क्या है आपके, कलरलेस है, कोई कलर नहीं। अगर होता तो आपको एटमॉस्फेयर भी रंगीन दिखता, इतना अच्छा रहता। लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन जरूर होता क्योंकि स्पेसिफिक हर एक का कलर अपना अपना होता है, तो अगर इन सब का भी रंग हो जाता ना, तो फिर पूरा नज़ारा ही अलग हो जाता देखने का। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कलर, है ना। इसको आप नोट करिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिल्वरी ग्रे होते हैं। अब स्पेसिफिक उसमें बताया गया कि कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कॉपर के कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, और गोल्ड का गोल्डन येल्लो होता है। ठीक है, अगर फिर बात करें नॉन मेटल की, तो उसमें अलग अलग कलर है। सल्फर का येल्लो है, फास्फोरस का रेड एंड व्हाइट है, क्लोरीन का ग्रीनिश येल्लो है, और उसके साथ साथ ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन है, और जो तीन गैसेज हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन सबको कलरलेस माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अपीयरेंस की। अब आसान आसान है, सब एकदम नोट करते चलिए फटाफट, देर भी नहीं लगेगी। अपीयरेंस लिख लीजिए टॉपिक का नाम, यानी ये एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, है ना। तो यहां पर लिखेंगे ऑल मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास अपना उनका मेटालिक लस्टर होता है। ठीक है ना, लस्टर मतलब होता है चमक, चमकते हैं। अभी आप देखोगे ना कोई भी मेटल को, तो आप अगर कोई ओरिजिनल मेटल, जैसे मतलब उस पर कोई बाहरी परत नहीं चढ़ा हुआ है, होता है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक बना देता है मेटल ऑक्साइड का परत, तो वो ओरिजिनल नहीं है ना। उसका ओरिजिनल जब कलर देखोगे तो वो एक अलग चमक देता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि वो किस तरह का मेटल है। तो ऑल मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, लेकिन ये मेटल की बात हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल की, किसकी बात करें, नॉन मेटल की, तो ये जो होते हैं यहां पर लिख सकते हैं हैवंट मेटालिक लस्टर, नहीं होता है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि डल अपीयरेंस होता है, है ना, डल अपीयरेंस। डल अपीयरेंस का मतलब वही हुआ, ऐसी उपस्थिति जहां पे आपका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैंने लॉजिकल बात यही हो रही है, जैसे मतलब मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं पे जाते हो, और आप आपका जो स्वभाव होता है या आपका हर एक तरह से बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होता है, तो आपका अपीयरेंस बहुत ही लाइटर होता है, सभी लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं। वही आप एकदम बेवकूफ की तरह करके जाइए, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डल अपीयरेंस। आप डल अपीयरेंस करके जाइए तो लोग आप पर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, तो होता है यहाँ पर भी वही है, मेटल आसानी से पहचान में आ जाते हैं बिकॉज इनके पास एक अपना अपीयरेंस है और मेटालिक लस्टर के फॉर्म में, और नॉन मेटल जो होता है वो बेचारा डल अपीयरेंस है, कोई इनके पास अपना लस्टर नहीं है स्पेसिफाइड अच्छा सा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया अपीयरेंस यानी उपस्थिति, कैसे वो निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आपका डेंसिटी। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए डेंसिटी। और इसमें अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी जो होता है वो कैसा होता है, तो हाई होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन इसमें भी है भैया, एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन क्या है आपका, सोडियम है। सोडियम, सोडियम जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आप खुद सोचिए कि अगर डेंसिटी उसका ज्यादा रहता है तो चाकू से थोड़ी कटता। तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में रखिए, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन में है। डेंसिटी इसका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स हैवंट हाई डेंसिटी, हैवंट हाई डेंसिटी, इसका हाई डेंसिटी नहीं होता है, नहीं होता है ना। अब इसमें एक्सेप्शन वही वाला आ जाएगा जो पहले मैंने हार्डनेस के लिए बताया था, डायमंड जी, डायमंड इनका सबसे हाई डेंसिटी वाला है, सबसे हार्डेस्ट तो सबसे हाई डेंसिटी वाला है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में मत लीजिए, एक्सेप्शन में डायमंड है, यानी डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद इनका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है, उसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, और नॉन मेटल में एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, डायमंड। याद रखिए, हमेशा आपको एक्सेप्शन पर ध्यान देना है क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर लिखे तो लचीलापन, है ना, लचीलापन। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए ये है एक मेटल और इस पर बीच से को फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पावर इस पर आप लगाओगे और उतना जितना ये सह ले रहा है, समझ लीजिए उतना ज्यादा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसीलिए जितने भी ब्रिज होते हैं, जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पे आयरन का इस्तेमाल होता है ना। एग्जांपल अगर लिया जाए तो क्या हो सकता है, अभी आयरन का, आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए बिल्डिंग्स में हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, ताकि उस पर जब प्रेशर पड़े तो वो टूट ना जाए, बिखर ना जाए। समझ में आ रही है बातें? तो इसीलिए मेटल्स को कहा गया कि भाई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इनका, और नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है। मेटल्स का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और नॉन मेटल का लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इतना दिमाग में आप रखिए। अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला है आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा गया बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में कि मेटल्स का हाई होता है, क्योंकि मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है, मेटल्स का ज्यादा मेलिएबल होते हैं, मेटल्स ज्यादा डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके पार्टिकल्स हैं जिससे वो बने हैं, वो बहुत ही नजदीक नजदीक है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज्यादा है। अगर उसको आप तोड़ना चाहते हैं, है ना, उसको अगर तोड़ना आप चाहते हैं, तो आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी अगर इसको आप मेल्ट करवाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा क्या, टेम्परेचर, है ना। इसलिए बोला भाई हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब इसमें भी एक्सेप्शन आता है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें मरकरी है। मरकरी बेचारा नॉर्मल टेम्परेचर पर पहले ही से लिक्विड है, पहले ही से मेल्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी फटाक से नोट करिए, मरकरी जो है वो आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें नॉन मेटल की बात करें,
तो जैसे इसमें हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट था, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, हैवंट हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है, नॉट लगाना था बस। लेकिन इसमें भी एग्जाम्पल है, इसमें एक्सेप्शन है आपका, ये दोनों एक्सेप्शन है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा, एक्सेप्शन क्या है इसमें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा है नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, वो है आपका एक और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जिस पर हम बात करेंगे, वो है आपका सोनोरिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी माने होता है ध्वनि, है ना। तो मेटल्स आर सोनोरस, अब रस का मतलब खाने वाला कोई सामान नहीं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब यही कि ये ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, आवाज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, आर नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस मतलब ये आवाज प्रोड्यूस नहीं करते हैं ज्यादा मात्रा में, यानी वाइब्रेट कम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में, स्कूल में जो घंटी होगी, जो बेल होगा, वो रिंग करता है, वो लकड़ी का अगर बना दिया जाए सपोज, तो लकड़ी पर इसे बजाइएगा तो ठक 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 वहीं तक आवाज आ जाएगा, यानी उसके आसपास का क्लास को मालूम चलेगा कि घंटी बजा है, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि लंच हुआ है कि छुट्टी हुआ है, आराम से पढ़ाई करते रहिए, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस, मैंने बताया अभी आपको। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, इसको नोट करिए कॉपी पर सजा करके अच्छे तरीके से, ये आपको सब 10th क्लास में काम आने वाला है, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स।